एक और लाइव परफॉर्मेंस आज रात को धमाकेदार होने वाली है, किनकी होगी वो आप खुद ही देख लेना। यार एक चीज ना, हैदराबाद में जो हाईवे में देखने को मिल रही है वो आपको भी देखने को मिलेगी। ये हाईवे पिछले 10 मिनट हो गए मेरे को हाईवे में जाते हुए, यहाँ पर पूरे हाईवे में एक भी कार्ट नहीं है। क्यों नहीं है दादा? यार पाजी, मतलब ही इज बैक विद द बैंक एंड मतलब 2000 के आसपास लोग थे वहाँ पर, यूथ था एंड दे वर एंजॉयिंग एवरी बीट ऑफ यो यो हनी सिंह वॉज दिस। हाँ जी जी, गुड मॉर्निंग है जी। डे टू की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ से जा रहे हैं भैया, हैदराबाद जा रहे हैं हम। तो भैया ऐसा है कि कल डे एंड कैसे हुआ, बेसिकली प्रगति मैदान में सारा शूट वूट कंप्लीट किया खली भाई के। पहले झलकियाँ दिखा देता हूँ खली भाई की, एक्साइटमेंट दिखा देता हूँ। खली भाई जब आए तो क्या क्या एक्साइटमेंट रही वहाँ की, आप खुद ही देख लीजिए। तो है ना पूरा एक्साइटिंग माहौल। और ये भाई साहब भी अब सुबह सुबह कितने बज चुके हैं, सुबह के बज चुके हैं 6:27। भाई साहब आप लेट हो गया, रात की बुकिंग की हुई थी। रात की बुकिंग? हाँ हाँ। अगर हमारी फ्लाइट निकल गई तो कौन भरेगा उसका? ओला भरेगी। ओला भरेगी? हाँ, ओला ओला भरेगी, पक्का भरेगी? क्यों नहीं भरेगी? भाई भाई ने बोल दिया कि ओला भरेगी अगर फ्लाइट निकल गई मेरी रात की। रात में बुक की? हाँ, ये रात में बुक की थी। अभी नहाए नहीं है, नहाएंगे हैदराबाद जाके। हमने सोचा यार यहाँ का पानी वेस्ट ही करना है और एयरपोर्ट जाना है। एयरपोर्ट जाने के बाद वहाँ से अपना भाई, पहले चलो जो भी है आपको कल शाम को पता लगेगा किनका परफॉर्मेंस है। और वो पहले पहुँच चुके हैं, एक दिन पहले पहुँच चुके हैं और हम आज जा रहे हैं। विद बैग, विद बैग, विद बैग। आपको शायद पता नहीं, पिछले कल मैंने दिया है हिंट या नहीं दी, बट किनका शूट करने जा रहे हैं एक और लाइव परफॉर्मेंस आज रात को धमाकेदार होने वाली है। किनकी होगी वो आप खुद ही देख लेना, है ना भाई साहब? यार आप बोलते बहुत कम हो यार। नहीं वो है। पैसे चाहिए आपको? नहीं सर, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो भैया एक और फ्लाइट, एक और जर्नी अरुण भाई साथ। आज गलती से हम दोनों साथ बैठे हैं, स्पेशली हम लोग ना दोनों लेते थे विंडो सीट, तब फिर क्या अलग थे। मेरी सीट नंबर था 13। हाँ इकट्ठे हो चुकी है। वैसे इकट्ठे ही जाना चाहिए, आप क्यों लग जाते हो? मतलब क्या, मतलब आप लड़की की तलाश में जाते हो कि साथ वाली सीट पे कोई अच्छी सी हॉट सी लड़की बैठेगी? हाँ ऐसा होता क्या? पर ऐसा हुआ नहीं है ना। ये तमाशा देखो यार, अभी इंडिगो की एयरलाइन है, यहाँ पर एक एमपी साहब है। पहले सबको बोल दिया कि हाँ एग्जिट गेट से निकलो, और एमपी साहब कहीं बैक सीट में बैठे थे। अब दोबारा अनाउंसमेंट हो रही है, पहले दोबारा अनाउंसमेंट हुई है एमपी साहब कम फॉरवर्ड, सो ही सेड आई कैन नॉट कम। दे अनाउंस्ड एवरीवन अगेन बी सीटेड। अब एमपी साहब देखो वहाँ से निकल के बाहर। भैया इंडिया है, हिंदुस्तान है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एयरलाइंस में भी कुछ भी हो सकता है। तो बाहर जाते ही आपको KFC, पिज़्ज़ा हट, सबवे, ये तीनों आउटलेट देखे। तो ये है भैया एयरपोर्ट का एग्जिट, 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 एग्जिट। तो ये है अपना हैदराबाद शहर। Swing home run like a baseball bat, gonna see me rise, you hate on that, I don't play both sides, doing me no cap, I'm a ride or die. यार एक चीज ना, हैदराबाद में जो हाईवे में देखने को मिल रही है वो आपको भी देखने को मिलेगी। ये हाईवे पिछले 10 मिनट हो गए मेरे को हाईवे में जाते हुए। एक चीज जो नोटिस की है वो ये नोटिस की है कि जैसे हमारा पंजाब का, दिल्ली का या कहीं और का हाईवे है,
तो वहाँ पर आपको जगह जगह मतलब हाईवे के ऊपर आपको स्टॉल्स मिल जाएंगे, कार्ट्स मिल जाएंगे, कोई गन्ने वाले का रस मिल जाएगा, कभी कोई किन्नू वाले का मिल जाएगा, कभी कोई फ्रूट बेचता नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर पूरे हाईवे में एक भी कार्ट नहीं है। क्यों नहीं है दादा? ये सिर्फ आउटर रिंग रोड है, एयरपोर्ट के लिए जो आउटर जो भी रहता है ना सर हैदराबाद से आगे उन लोगों के लिए। हाँ, इसके ऊपर कुछ स्टॉल नहीं लगाना, स्टॉल ही लगा। इधर भी हाईवे रहता बाहर तो वहाँ लगा होगा, सराउंडिंग हैदराबाद सराउंडिंग है ये। अच्छा, ये एयरपोर्ट के सराउंडिंग है तो पूरा राउंड हैदराबाद बीच में आ जाता है, जो जो आ रहे हैं और आउटर आउटर से एयरपोर्ट जा सकते हैं, इसके लिए डाला ये रूट। अच्छा, तो यहाँ पर नॉट अलाउड है कार्ड्स एंड ऑल। ये देखो, ये बिजली के पोल, बिजली के खंभे, देख रहे हो कुछ डिफरेंट? हमारे वहाँ पर ना खंभे ऐसे बने होते हैं, ऐसे करके खड़े होते हैं ऐसे, लेकिन ये है बिजली के पोल। यहाँ पर हैदराबाद शहर दिखना शुरू हो चुका है, यही है ना शहर। तो ये भैया आ गई है, क्या नाम है? फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट। तो ये पूरा आईटी हब है, यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, बस कंपनीज के बहुत बड़े बड़े ऑफिस हैं। आईसीसी बैंक का देखो यार कितना बड़ा बिल्डिंग है। तो ये भैया हयात होटल, हयात है नहीं? अरे भाई साहब कह रहे हैं हैदराबाद में नेटवर्क का कोई इशू नहीं है, हमारे यहाँ पर तो साला बेसमेंट में चले जाओ जय माता दी हो जाती है। ये खोलो दादा। तो चलिए आपको रूम का वॉक इन दिखाते हैं। भाई ये हाल है, थोड़ा जल्दी ले आना दादा, दो कीस लेके आना दो, ठीक है सर। भैया रूम में घुस चुके हैं, एक गॉगल शॉगल डाल ले फिर भी ज़्यादा बढ़िया आएगा। तो रूम है भैया यहाँ पर डबल बेड है यार, भाई साथ में है, लेकिन सबसे बढ़िया नज़ारा है पर्दे खोलते ही। सो दिस इज द एम्बियंस यू आर गोइंग टू सी, मज़ा है, मज़ेदार है, हैदराबाद है। यो यो हनी सिंगल, रूम का एम्बियंस अच्छा है, टॉयलेट देखिए, टॉयलेट 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 टॉयलेट, सो टॉयलेट इज ऑल्सो गुड। यहाँ पर स्पेशल बैथिंग एरिया भी है, नहाने का एरिया भी है। सो ये रहा रूम का भैया, थोड़ा सा वो आप हम करेंगे खाना ऑर्डर। खाना ऑर्डर करने के लिए वहाँ से स्कैन किया है हमने, ये स्कैनर पड़ा है, स्कैन करने के बाद खाना ऑर्डर करने का, और उसके बाद खाना खाने के बाद आपको लेके जाएंगे साउंड चेक के लिए। हनी भाई के शो से पहले साउंड चेक कैसे होती है वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। चलिए, सो फाइनली इवेंट 2 भी ख़त्म हो चुका है। बेसिकली बड़ा ब्लास्टिंग रहा, यहाँ पर हैदराबाद के एक प्रिज्म क्लब में था, बहुत ही अमेजिंग रहा। और इवेंट के बाद क्या है कि बेसिकली इवेंट के बाद असली चैलेंज शुरू होता है हम लोगों का, वो क्या होता है कि फुटेज जल्दी से जल्दी एडिट करके ऑन एयर करनी है। तो बेसिकली इवेंट में क्या क्या खास रहा, सबसे पहले इवेंट के आपको हाईलाइट दिखा देता हूँ। देखिए कितनी धमाकेदार रॉकिंग अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय नन अदर देन यो यो हनी सिंह। यार पाजी मतलब ही इज बैक विद द बैंक, एंड मतलब 2000 के आसपास लोग थे वहाँ पर, यूथ था, एंड दे वर एंजॉइंग एवरी बीट ऑफ यो यो हनी सिंह वर्सेस। सो है ना अमेजिंग, तो अमेजिंग कैप्चर तो कर लिया। देखो यार कैप्चर करने में बहुत सारे मेमोरी कार्ड्स लगते हैं, बहुत सारे अब तो कार्ड मैंने अंदर रख लिए, बैटरी बैटरी ये वो सब कुछ सारा होता है, लेकिन उसके बाद असली चैलेंज है कि रातों रात बेसिकली मटेरियल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 32-32 GB के यू कैन से 5-6 कार्ड लग जाते हैं, गोप्रो के कार्ड, मल्टीपल कैमरास के कार्ड। उसके बाद बनती है 60 सेकंड की रील, यानी कि 2-3 घंटे की फुटेज में से 60 सेकंड निकालना उस फुटेज में वॉज अ चैलेंजिंग। यू हैव टू मेक अ स्टोरी, उस स्टोरी को पोर्ट्रे करके देना इज अ चैलेंज। तो बस वही चैलेंज
जय माता दी, लेट्स रॉक। सुबह के अब यू विल बी अमेज टू सी, 4:10 बज चुके हैं, तो बैक टू बैक एडिट चल रहा है। अब जो फुटेज अरेंज की है, देख रहे हैं, फुटेज चेक कर रहे हैं, आज रफ ड्राफ्ट सा बन जाएगा कुछ। सुबह 7 की फ्लाइट है बैक टू दिल्ली, तो अभी सोना नहीं है। 4 to 7 तक जितनी फुटेज एडिट हो पाएगी या रफ ड्राफ्ट हो पाएगा, वो रफ ड्राफ्ट करने का 7 सीधे, 7 फ्लाइट नहीं, 9:30 फ्लाइट है, लेकिन 7 यहाँ से डिपार्चर है, तो 7 यहाँ से निकलने का। हालत बड़ी टाइट है, लेकिन क्या करें, अगर आगे बढ़ना है तो डिलीवरी ऑन टाइम देनी बहुत ज़रूरी है। भैया आपने जो भी शूट किया है वो अगर ऑन एयर टाइम से नहीं जाएगा तो शूट की वैल्यू नहीं रहेगी। 1-2 या मैक्सिमम 3 के अंदर यू हैव टू डिलीवर अ शूट। चलो ये तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है, बिकॉज सम चेंजेस भी होते हैं। बेसिकली हम क्या है कि वीडियो बनाने के बाद देते हैं, फिर उसका कुछ चेंजेस होते हैं, उस चेंजेस के बाद फिर नया ड्राफ्ट बनता है, तो इट टेक्स टाइम, बट मैक्सिमम 2-3 में आपको अपलोड करनी है। मैं तो वैसे जल्दी, क्या होता है कि अगर फुटेज ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, देखो अरुण भाई इनकी आराम है भाई, ये शूट करके आराम से सो जाते हैं, वीडियो देख ली, वो देख ली, इनकी लाइफ सेट है भैया। 3-4 का शूट किया, उसके बाद जय माता दी, ये नहीं देखना कि फुटेज कहाँ पे है, कहाँ नहीं। ये ऐसी ऐसी लाइफ होनी चाहिए हमें। देखो यार, हम दिहाड़ीदार बंदे हैं, पर क्या करें, मेहनत करेंगे, को आगे बढ़ेंगे। उल्टा बोल रहे हो, उल्टा। हाँ, दिहाड़ीदार मजदूर सो रहे हैं और मालिक काम करते हैं। मालिक कोई नहीं है यहाँ पर, सारे मालिक है भैया यहाँ पर, सारे मालिक। चलो जो भी है भाई, साथ दे देते हैं, वही बड़ी बात है, ठीक है। बड़े तसल्ली से शूट करते हैं, इनके होते बेसिकली डर नहीं रहता कि क्या चीज़ शूट हो रही है, क्या नहीं हो रही है। अल्टीमेटली इन्हीं का कंटेंट चल रहा है। अब यहाँ पर मैं इन्हीं का कंटेंट शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ, वो कंटेंट शॉर्टलिस्ट करके बेसिकली 60 का बनाना है। इनके 5-6 कार्ड्स हैं, उसके बाद मेरा गोप्रो का छोटा सा कार्ड है, तो वो सारे कार्ड्स को शॉर्टलिस्ट करके बनाया जाएगा। रातों रात देखते हैं कुछ निकलता है या नहीं। नहीं निकलेगा, कल दोबारा माइंड बनाएंगे, स्टोरी लाइन बनाएंगे। बेसिकली क्या होता है कि जल्दी स्टोरी लाइन हर एक रील की होती है, बट जो शोज़ होते हैं, शोज़ में क्या है, लाइव ऑडियंस आती है, लाइव बड़ा कुछ निकल जाता है और बड़ा अच्छा अच्छा कंटेंट निकलता है, और बस आपको उसी के साथ मैनेज करना है कि क्या बेस्ट चीज़ बना सकते हो। तो मैं एडिट करता हूँ, मिलते हैं भैया कल सुबह 7 यहाँ से निकलेंगे। तो भैया फाइनली हैदराबाद एयरपोर्ट बैठ चुके हैं, ये अरुण भाई, ये मैं, और आज फाइनली मोबाइल कोरी नहीं हुआ, लाइन लग चुकी है बैक टू दिल्ली, और दिल्ली के जाने के बाद एकदम प्रोग्राम बन गया, कहाँ जाने का, गोरखपुर जाने का। ये भाई साहब पता नहीं कितने कितने प्रोग्राम बनाते रहते हैं। हाँ, तो अभी बात ऐसे पूरी रात हुए नहीं है, एडिट चल रहा था, अभी रफ सा काटा इनके, ये बोलते हैं हमारी फुटेज देखते नहीं हो आप, तो इनकी पहले फुटेज इन्हीं की लगाई है हमने, और उसी में से बेस्ट शॉट निकाल, नहीं नहीं नहीं, पहले तो सारी इन्हीं की फुटेज लगाई है, तो वो लगाने के बाद पहले वो सारी टाइम में रखेंगे, फिर उसके बाद गोप्रो एंड में रखेंगे अगर कोई यूज़ लगा, और उसके बाद काटना शुरू करेंगे। अब ये नहीं पता कि स्टोरी लाइन क्या बनानी है, बट इन्होंने कुछ आइडियाज़ दिए हैं, वो आइडियाज़ बनाएंगे, और लेट्स सी हनी भाई की वीडियो कैसी बनती है, और इसी ब्लॉग में दिखा देंगे, एंड में दिखा देंगे कैसी बनी है, अगर वो पोस्ट करते हैं तो, अगर पसंद आती है तो। This is the tribute to Talaiwa. Yo, yo, it's your boy Honey Singh, Prism Club, Hyderabad. Ready to rock, Hyderabad. Nice to meet you,